जैसा कि मैं आप सभी को कहता रहता हूं कि आपको यहां पे मिलेंगे कमाल के वीडियो, कमाल के वीडियो। तो आज फिर से हम आपके लिए लेके हाजिर हैं एक कमाल के वीडियो। वैसे स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करना सभी को पसंद है और आजकल हमारी डे टू डे रूटीन के अंदर इतनी सारी डिवाइसेस हो चुके हैं जिन्हें हमें चार्ज करना पड़ता है। कभी घर का इन्वर्टर चार्ज, कभी मोबाइल चार्ज, कभी हमारी और डिवाइसेज हैं वो भी हमें चार्ज करनी पड़ती हैं। इन चार्जों के चक्कर में हमें जो है बहुत सारे चार्जर हो जाते हैं और उनकी वायर हो जाती हैं इधर उधर। इसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए शाओमी जो है वो अपना लेके आया है एयर चार्जर, मतलब कि हवा के अंदर ही आपकी डिवाइस चार्ज हो जाएगा। पहले क्या था कि वायरली चार्ज होती थी, फिर वायरलेस पैड आए जिनके ऊपर हमें डिवाइस को रखना पड़ता था, फिर डिवाइस हमारी चार्ज होती थी मैग्नेटिक वेव के थ्रू। अब क्या होगा कि अब मतलब कि आपको कुछ ही नहीं करना, सिर्फ आपकी डिवाइस चार्ज होती रहेगी। ऐसा कुछ जो है शाओमी ने पेटेंट किया और वो कह रहे हैं कि मे बी इन 2021 और 2022 के अंदर वो ये डिवाइस है मार्केट के अंदर लेके आ जाएंगे। तो क्या है ये डिवाइस, क्या इसके फायदे होने वाले, क्या नुकसान होने वाले, कैसी ओवरऑल ये सारी डिवाइस होने वाली है, क्या इसके अंदर फीचर होंगे, कितना ये चार्ज कर पाएगी, एक साथ कितनी डिवाइसों को चार्ज कर पाएगी, इसके लिए कितना खर्चा लग सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोफन में। तो शाओमी ने जो है एक अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो एक एयर चार्जर की जो डिवाइस है, मतलब कि जो वायरलेसली आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी, ऐसा चार्जिंग स्टेशन जो है वो लेके आने वाले और मार्केट में एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर वो लॉन्च करेंगे। तो एक्चुअल में ये काम कैसे करेगा, इसके अंदर क्या है कि मिलीमीटर वेव के ऊपर बेस्ड होने वाला है, वही वेव जो आपकी 5G के अंदर यूज होंगी। इसके अंदर जो है स्मार्टफोन के अंदर 14 एंटीना आर्क लगाए जाएंगे जो आपके स्मार्टफोन की पोजीशन जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या है उसकी लोकेशन, क्या है पोजीशन क्या है। उसके द्वारा जो बाकी जो एंटीनाज हैं वो सेंडर से रिसीव करेंगे पावर पैकेट्स के अंदर और वो आपकी डिवाइस को चार्ज करेंगे। तो ये तो हो गया मतलब कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ये डिवाइस काम करेगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली डिवाइस होगी जो वायरलेसली काम करेगी। एक ऑलरेडी एक स्मार्टफोन नहीं, एक मोबाइल जो है ऐसा बनाया जा चुका है जिसके अंदर क्या है कि आपको उस फोन को कभी भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो नेटवर्क से ही एनर्जी लेगा और उसी से वो डिवाइस जो है वो चलती रहेगी। लेकिन वो इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, सिर्फ उसके अंदर कॉलिंग करना ही था, इतनी ही वो पावर जो है वो कैच कर पा रहा था नेटवर्क से। लेकिन अभी क्या है कि इसके अंदर हम 5 वोल्ट तक की जो है पावर को जो है सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और इसके अंदर यही नहीं, हम जो है एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस को भी हम चार्ज कर सकते हैं, और जैसे कि आपका लैम्प हो गया या फिर और कोई भी जैसे डिवाइस होगी जिसकी पावर कंजप्शन 5 वोल्ट से कम है, उस डिवाइस को भी हम वायरलेसली यूज कर पाएंगे। बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर कुछ मीटर की डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस के अंदर जैसे ही हमारी डिवाइस जाएगी वो डिवाइस जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, एक तो हमें जो है वायर जो है वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी बात ये कि हमें हर डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यदि आपकी सारी डिवाइसेज ये एयर चार्जिंग सपोर्ट करती हैं तो उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली हमेशा चार्ज होती रहेंगी जब भी आपके घर के अंदर हैं। अब इसके ये तो हो गए फायदे, अब इस हर फायदे के साथ कुछ ना कुछ नुकसान जरूर आते हैं, और हर एक नए एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर नई रिसर्च के लिए हमें कुछ ना कुछ पे जरूर करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा और क्या नुकसान होने वाले हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये करेंगे, जैसे कि आपकी डिवाइस है इसकी एक जो है रेंज होगी, मान लेते हैं इसकी रेंज होगी 10 मीटर की रेंज होगी। अब आपकी डिवाइस जो है एग्जैक्ट 10 मीटर दूर है आपके जो चार्जिंग स्टेशन से, तो क्या होगा कि वो आपकी डिवाइस बार बार चार्ज लगेगी और बार बार चार्जिंग से रिमूव होगी। तो जैसा कि हमारे फ़ोन में भी कई बार होता है कि हमारी जो चार्जिंग पिन है वो ख़राब हो जाती है, तो हमारी डिवाइस बार बार चार्ज लगती है हटती है, चार्ज लगती है हटती है, तो उसे एक नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो हम हमारी डिवाइस पे जो भी वर्क कर रहे हैं वो वर्क हम एफिशिएंसली नहीं कर पाते, क्योंकि बार बार एक पॉपअप आता रहता है, चार्जिंग का नोटिफिकेशन आता रहता है, उससे हमें प्रॉब्लम होती है। तो इससे ये दिक्कत हमें होने वाली है। मे बी इस इशू को फिक्स कर लिया जाए कि इस चार्जिंग स्टेशन का नोटिफिकेशन हमें नहीं आए, सिर्फ बैटरी इंडिकेशन दिखाए, तो ये फिक्सेबल है। लेकिन इसके अलावा इसके अनफिक्सेबल भी नुकसान बहुत ज्यादा है जो हमें पे करना पड़ेगा यदि हम ऐसा यूज करते हैं।
सबसे पहली बात, ये पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि यदि हमें एक सेंडर तक वायरलेसली हमें जो है 5 वोल्ट का करंट हमें कॉन्स्टेंटली भेजना है, तो हमें कम से कम जो है मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि हमारा 75% जो करंट वॉल्यूम है, पावर का वॉल्यूम है, वो वेस्ट होगा, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन पता करके सिर्फ उसी लोकेशन के ऊपर भेजना, तो ये तो सिर्फ लेज़र बीम के थ्रू ही पॉसिबल है, ऐसे वायरलेसली पॉसिबल नहीं हो पाएगा मिलीमीटर वेव के थ्रू। तो ये जो है मतलब कि आपकी जो पावर है वो वेस्ट होगी। दूसरी बात ये है कि मतलब कि आप और हम हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा USA के अंदर जो है एक डिवाइस काफ़ी ट्रेंडिंग के अंदर बिक रही थी, NT 5G स्टिक करके, क्योंकि मतलब कि जो भी नेटवर्क है, जो भी है, मतलब कि ये क्या है कि पोल्यूशन तो एक तरीके का क्रिएट करता ही है। अब उससे क्या होता है, उससे हमारे जो लिविंग बॉडी है उन्हें काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, और डेफिनेटली इससे भी साइड इफेक्ट होने वाला है। मतलब कि आप एक करंट एरिया के अंदर 24x7 रहेंगे तो आपके ऊपर उसके साइड इफेक्ट दिखाई देंगे, आपकी जो आईसाइट है, विजन है, वो कम होगा, आपके बाल जो है वो झड़ने लगेंगे, स्किन के ऊपर भी आपको कुछ दिखाई दे सकता है, और मे बी हम लॉन्ग टाइम तक ऐसे डिवाइस के या ऐसे एरिया के अंदर रहें तो हमें जो है स्किन कैंसर या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती हैं जिनका अभी तक कुछ पता नहीं है। अब Xiaomi तो बोल रहा है कि ये डिवाइस वो लॉन्च कर देंगे, लेकिन इस डिवाइस को प्रॉपरली टेस्टेड, साइंटिफिकली टेस्टेड करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में यदि ऐसी डिवाइस आती है तो डेफिनेटली सीधी सी बात है, हर कोई ऐसी डिवाइस को यूज़ करना चाहेगा। मैं खुद प्रेफर करूँगा कि मैं इस डिवाइस को यूज़ करूँ बिना उसके साइड इफ़ेक्ट देखे। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस तरीके को कोई चार्जिंग स्टेशन अपने घर में इंस्टॉल करना चाहेंगे, यदि पॉसिबल है इन फ्यूचर, जिसके लिए आपको एक मतलब कि काफ़ी बड़ी कीमत पे करनी पड़ेगी। कीमत रुपीज़ के अंदर नहीं करनी होगी, करेंसी के अंदर नहीं करनी होगी, लेकिन वे आपकी हेल्थ के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी कीमत पे करनी होगी। लेकिन इसके बदले आपको सहूलियत भी मिल रही है कि आपको इतने चार्जर मेंटेन नहीं करने होंगे, वायर ऐसे बिखरी हुई नहीं रहेंगी, वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मेरे को जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइजिंग वगैरह के बारे में। जैसा कि प्राइस के बारे में अभी अनुमान लगाया जा रहा है, ये जो है $100 से $200 के बीच में होने वाली है, यानी तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये के आसपास ये डिवाइस जो है 10 से 15 हज़ार रुपये के आसपास में ये अवेलेबल हो जाएगी। तो वैसे यदि हम 10-15 हज़ार रुपये के चार्जर खरीदें तो काफ़ी ज़्यादा चार्जर आएंगे, लेकिन मतलब कि इससे आपको आपकी डिवाइस को कभी भी चार्ज नहीं लगाना पड़ेगा, बस घर में जाते ही आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या आपका सोचना है इस Xiaomi के एयर चार्जर के बारे में, क्या आपकी राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, या फिर मेरा बोलने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और पास में आने वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा, और यही नहीं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी टेक्नोलॉजी से जुड़ी न्यूज़ आपके लिए अपडेट्स लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।